world is small and the life is smaller than the world. So, इस छोटे सी लाइफ में हो सके उतने प्लेस देख लेने चाहिए। नमस्कार, मैं सोनिया, स्वागत है आपका मेरे चैनल रियोनास किंगडम में। कुछ ब्लॉग की सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं पुनीत वन का ब्लॉग, जो मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। में मोदी जी के हाथों इस गार्डन का इनॉग्रेशन हुआ था, पुनीत वन। इसको वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पहले जंगल ही था, फिर रेसिडेंशियल एरिया हो गए और फिर यहाँ पे गार्डन भी बनाया गया। बहुत से लोग यहाँ सुबह और शाम वॉकिंग करने आते हैं, जॉगिंग करने आते हैं। आप देख सकते हैं ये वॉकिंग ट्रैक वॉकर्स का फेवरेट स्पॉट। गार्डन की रचना इस तरह से बनाई गई है कि हर जगह एक पर्टिकुलर किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। सभी ग्रह के लिए वर्शिप करने के लिए अलग अलग वृक्ष होते हैं, तो यहाँ पे वृक्ष उसी तरह से उगाए गए हैं जिस तरह से आप ये देख सकते हैं पिक्चर में। आपको अगर याद हो तो मेरी जो मूवी थी माया 1 और 2, उसकी शूटिंग इसी वन में हुई थी, पुनीत वन में। साथ में जो खुशी मूवी देखी थी आपने रक्षाबंधन पर, वो भी यहीं पे शूट हुई थी। इक्विपमेंट्स अभी लगाए गए हैं यहाँ पे। तेरी मिट्टी में मिल जावा जो सॉन्ग हमने शूट किया था, वो इसी जगह पे शूट किया था। अभी यहाँ पे बहुत घास और झाड़ियाँ उग गई है। योगा सिखाया जाता है रोज सुबह और शाम, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अगर याद हो तो मेरी खुशी मूवी यहाँ पे शूट हुई थी, रक्षाबंधन पे जो शूट की थी खुशी मूवी। लगाए गए हैं कि हर एक वृक्ष एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। पर्टिकुलर किसी प्लैनेट की आपको वर्शिप करनी हो तो उस वृक्ष की आपको पूजा करनी चाहिए, इस हेतु से यहाँ पे सारे वृक्ष लगाए गए हैं। जैसे इस वृक्ष का पूज्य देवता है सोमाय नमः। अलग अलग ग्रह के अलग अलग वृक्ष लगाए गए हैं।
यहाँ वृक्ष लगाया था पीपल का। सूर्य देवता के वर्षिप के लिए ये वृक्ष लगाया गया था। यहाँ पे ज्यादा डीप में अंदर जाकर नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे सांप भी हो सकते हैं। पिकनिक के लिए भी ये बहुत अच्छी जगह है, बस हमको इसका टाइमिंग ध्यान रखना पड़ता है, ज्यादा अंधेरा होने के बाद यहाँ नहीं आ सकते। ये भी जगह आपको याद होगी, मेरी मूवी का एक सीन यहाँ से शूट हुआ था। गार्डन के दो हिस्से हैं। ये अगला हिस्सा हमने देखा, यहाँ पे बहुत रश होता है, पर एक पिछला हिस्सा भी है, वहाँ पे बहुत कम रश होता है। वहाँ पे भी मेरी एक मूवी की शूटिंग की थी, माया 2 मूवी जो आपने देखी थी, उसकी शूटिंग जहाँ पे की थी, तो वो लोकेशन में मैं अब आपको बताती हूँ। जो हिल देखी आपने, वहीं पे मेरी मूवी माया 2 के सीन पिक्चराइज हुए थे। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो जरूर देखिए। मुंद्रा रोड पर आया हुआ ये पुनीत वन एक बहुत ही बड़ा विस्तार कवर करता है। को कच्छ बायोडायवर्सिटी पार्क भी कहा जाता है। पुनीत वन में इतने उसके हिस्से हैं। पंचवटी जो हमने अभी देखा, नवग्रह वाटिका, ग्रह के हिसाब से वृक्ष लगाए गए हैं, वो नक्षत्र वाटिका, नक्षत्रों के हिसाब से वृक्ष लगाए गए हैं, राशि वाटिका, राशि के हिसाब से वृक्ष लगाए गए हैं। ये जो देख रहे हैं आप प्राग महल टावर जिसको कहा जाता है, नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे जब थोड़ा ये कोरोना सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। तो अभी मैं पहुंची हूँ टॉप ऑफ द हिल। यहाँ से आप पूरे भुज का नजारा देख सकते हैं। ये एरिया मुंद्रा रोड कहा जाता है। जो अर्थक्वेक हुआ था 2001 में, उसके बाद ये सारा एरिया डेवलप हुआ है। ये गार्डन भी उसके बाद ही बना है। यहाँ पे पहले पूरा पहाड़ ही था, पहाड़ को खोद कर ये रास्ता बनाया गया है जिसको रिंग रोड कहते हैं। ये पूरा अर्थक्वेक के बाद हुआ है। शाम के वक्त रिलैक्स होने के लिए, सनसेट देखने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। ये जो देख रहे हैं आप सामने, ये भुजियो डूंगर है जो हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताएंगे। भुज टाउन का नाम इसके ऊपर से रखा गया है। ये अभी रिसेंटली ही हुआ है, किसी ने यहाँ पे शनि देव की मूर्ति स्थापित कर दी है और लोग पूज भी रहे हैं। ये जगह अगर आपको याद है तो मेरी माया 1 मूवी का जो स्टार्टिंग सीन था वो यहाँ पे पिक्चराइज किया था हमने।
अंधेरा हो रहा है तो इट्स नॉट सेफ फॉर अस, क्योंकि ये जंगल में से ये जगह बनाई गई है, तो यहाँ पे बहुत से स्नैक्स भी होते हैं, तो ज़्यादा यहाँ पे घूम नहीं सकते अंधेरे में। वृक्षों का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है पहले से हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए। वृक्षों को एक चीज़ ना समझकर एक जैविक, उसको एक लिविंग बॉडी समझा जाता है, उसको पूजा जाता है, उसी चीज़ को महत्व देने के लिए, इम्पोर्टेंस देने के लिए ये वन बनाया गया है, पुनीत वन। तो इसको हमको ध्यान रखना चाहिए, इसको ऐसी चीज़ों से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, यहाँ पे कचरा ना फैलाएं, क्योंकि ये पहले यहाँ पे जंगल ही था, तो जो नेचुरल चीज़ थी वो उसको नेचुरल तरीके से रखने का ही प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पे जो वृक्ष लगाया गया था कल्प वृक्ष, वो मोदी जी के हाथों लगाया गया था 2007 में, तब वे गुजरात के CM थे। तो अब अंधेरा हो रहा है, वी हैव टू एंड दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करें चैनल को, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, तो ही आपको हमारे नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। फ्रेंड्स, अगर आप टेक्निकल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करिए राहुल जी की चैनल को, जिसका नाम है राहुल देव चौहान। इस चैनल में आपको देखने को मिलेगा हाउ टू फिक्स ब्रोकन मोबाइल चार्जर केबल एट होम, हाउ टू प्रमोट योर यूट्यूब चैनल, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, और ऐसे ही काफ़ी यूजफुल वीडियोस। तो सब्सक्राइब करिए राहुल देव चौहान और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए। गाइस, मेरा नाम है राहुल देव चौहान और मेरे चैनल का भी सेम नाम राहुल देव चौहान। आप मेरे चैनल पे जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं राहुल देव चौहान, वहाँ पे आपको टेक्निकल से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे जो है विजिट कीजिए, इतना ज्यादा सपोर्ट किया और अपने चैनल पे आने का मौका दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। हम देखने जा रहे हैं पुनीत वन का ब्लॉग, जो मेरे घर, आपको अगर याद हो तो मेरी जो मूवी थी माया 1 और 2, उसकी शूटिंग इसी वन में हुई थी, में मोदी जी के हाथों इनॉग्रेशन हुआ था 2007 में। बहुत से लोग यहाँ सुबह और शाम वॉकिंग करने आते हैं, जॉगिंग करने आते हैं, और लोगों की सुविधा और लोगों के, यहाँ पे वृक्ष उसी तरह से उगाए गए हैं जिस तरह से आप ये देख सकते हैं पिक्चर में।